नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा हुशियारपुर रोड पर एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, दो युवकों की मौत, दो गंभीर। तलवंडी साबो के गांव त्योणा पुजारिया में शादी से नाराज लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने ससुर परिवार के घर में दाखिल होकर की फायरिंग, लड़की व उसका ससुर हुए घायल। सुनाम बठिंडा रोड पर तूड़ी से भरी एक ट्रॉली की स्कॉर्पियो के साथ हुई भीषण टक्कर, दो लोग गंभीर घायल। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा हुशियारपुर रोड पर सुबह एक भयानक सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हुशियारपुर रोड पर एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। कार में चार युवक सवार थे। इस हादसे में चारों युवक कार में बुरी तरह से फंस गए। युवकों को बड़ी मुशक्कत के बाद कार में से निकाला गया। इस दौरान दो की मौत हो गई और जबकि दो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सिविल हॉस्पिटल फगवाड़ा में उपचार के लिए भर्ती करवाया जबकि मृतकों के शव फगवाड़ा के सिविल हॉस्पिटल के शव गृह में रखे गए हैं। चारों युवक फोटोग्राफी का काम करते हैं और बठिंडा और बरनाला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कमल जी, की मामला किया जिसे सिविल हॉस्पिटल जाए तो ये सारे की ये फगवाड़ा ये है के बठिंडा दे सारे ये फोटोग्राफी का काम करते हैं तो हुशियारपुर आ रहे थे। इन्होंने अपने पेट्रोल हुशियारपुर के पेट्रोल पंप के बैक ना बैक से इन्होंने कि इन्होंने गड्डी मारी, स्कॉर्पियो गड्डी सी मैं इन्होंने कोलो कहते ना होया जी ये ट्रक च मारी जी इन्होंने। अच्छा जी, किन्ने बजे होया? एक चार बजे का टाइम सी सर। तो मतलब कि कोई डैथ वगैरह? हाँ सर, एक कनैक्टर साइड के दो एक्सपायर हो गए तो ड्राइवर साइड के दो नहीं बच गए सर। 4:40 से हुशियारपुर रोड से एक कार के एक्सीडेंट नाल मेरे को दो मर्द जिसकी जो एक की उम्र तकरीबन 27 साल से एक 20 साल सट्टा नाल आए जिस तरह की मुढ़ली सहायता दे के पुलिस इंफॉर्मेशन भी भेजी गई है। तो बाकी उन्होंने लिए जिमें हम एक दे सिर सट लगती सी तो नशे की हालत से दूजा जरा जो लग रहा है कि ड्राइवर से वो पेट से स्टेयरिंग व्हील वगैरह या कुछ सट वजन करके ढिड से सट लगी वो भी सीरीयस लग रहा है जिन्हों के बच्चों डॉक्टर साहब की राय नाल जो ड्राइवर है उन्होंने असी मैं रैफर कर लगा। तो बाकी जो दूजा है वह सिर दर्द सही आया जो डॉक्टर साहब कहें अगे इलाज चले। सर टोटल व्यक्ति किन्ने दे? टोटल 4 जने से दोनों की डैथ हो गई। सब डिविजन तलवंडी साबो के गांव त्योणा पुजारिया में कुछ लोगों द्वारा घर में दाखिल होकर रात के समय फायरिंग की गई जिस कारण इस फायरिंग में लड़की व उसका ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें उपचार हेतु फरीदकोट के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह मामला लड़की द्वारा 4 साल पहले अपनी परिवार की मर्जी के विरुद्ध गरीब परिवार लड़के के साथ विवाह करवाने का है जिसके चलते शादी से नाराज लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने गत रात्रि मंजीत कौर के ससुर परिवार में दाखिल होकर फायरिंग कर दी जिस कारण लड़की मंजीत कौर और उसका ससुर गंभीर घायल हो गए हैं जिसे पहले बठिंडा और बाद में इलाज हेतु फरीदकोट रेफर कर दिया गया। वहीं इस मौके पर तलवंडी साबो के DSP बूटा सिंह ने बताया कि उनकी ओर से मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। जी उन्होंने चोरी का पिस्तौल सी उन्होंने को सुखी सिंह पाली सिंह तो एक छीम्बिया का मुंडा जी त्योणा पजारिया तो एक मलकाणिया जी पाली सिंह मेरे सहुरा परिवार है जिहड़ा ते उहने च मैं कोर्ट मैरिज करवाई सीगी। उन्हां दे दो ता आप है खुद जी ते दो हैगे उन्हां दे लड़के खुद बढ़ के उन्होंने दो तलवारां एक चोरी दा पिस्टल उन्हां कोले एक कट्टा एक जीवन जी इन्हां ने बढ़ के मम्मी डैडी नूं लाता बाहरों गेट बढ़ के ते जी घरवाले दे कोले बह गए अरश फेरे कृपाना डराई गए कि मुंडा दस कित्थे है। वो कहंदे भाई तुसीं गल्लबात करनी सवेरे बुला देंगे मुंडे नूं हुण सानूं की पता इन्हां ने दस्सिया नहीं डरदे ने भी कितें खेत ना वग जाण उन्होंने दसना कि नहीं कहिंदे दस देने दारू दे फुल डक्के सीगे जी इत्थे ला के जी पिस्तौल ते गोली मारी तुहाडे घरवाले दे हाँ ते बक्खी बक्खी च गोली मारी जी देख सकदे हो
जवाक नूं चक लिया कहिंदे जवाक नूं मार दे आ इन्ने गवांडी आ गए उठ के जवाक नूं कहिंदे वी भाई जवाक ना मारो जिहड़ा चौणा पजारियां विखे जो फायरिंग हुई है इहदे विच रात सानूं करीब 2 बजे जिहड़ा है सूचना मिली कि चौणा पजारियां विखे पिंड दे कुछ बंदिआं ने जिहड़ी फायरिंग करके एक लड़की ने जख्मी करता तो एक जिहड़ा है होर परिवारक मैंबर नूं सट्टा मारिया। सूचना मिलते ही मैं SHO तलवंडी साहब को इंस्पैक्टर कुलदीप सिंह मौके पर भेजा तो मौका पर जाके देखा कि जिहड़ा एक लड़की मनदीप कौर वो फायर लगन करके गनशॉट नाल जख्मी सी तो उहदे पेट दे विच जिहड़ा हैगा फायर लगे सीगे तो वह लहू लुहान से जिहड़ा उहनूं एंबूलेंस का प्रबंध करा के पुलिस ने हॉस्पिटल भिजवाया तो सारे मौके का जिहड़ा हैगा हालात का जायजा लैके सारी जी रिपोर्ट में दी तो ये यह पाया गया कि यह जी लड़की मनदीप कौर सी जनरल बरादरी जट सिख परिवार को बिलोंग करती है तो इन्हें पिंड के मुंडे नाल ही जिहड़ा हैगा पिंड से विआह करा लिया से जिहड़ा हैगा मुंडा प्रजापत बरादरी नाल संबंध रखता तो इन्हों विआह से जिहड़ा लड़की के परिवार वाले वो खुश नहीं सीगे। इस विआह नूं करीब 4 साल हो गए सी तां रात उन्होंने मौका देख के लड़की दे भरा ने उहदे चाचे दे पुत ने ते होर उन्होंने नाल जिहड़े हैगे आ 4-5 बंदे जिहड़े बाई नेम ने जिहड़े बाकी 5 बंदे जिहड़े अणचाते ने उन्होंने उन्हां दीआं कंधां टप के धन सिंह दीआं उन्हें करे भनतोड़ की। संगरूर के सुनाम सिविल हॉस्पिटल से महज 1 किलोमीटर दूर बठिंडा रोड पर एक तूड़ी से भरी ट्रॉली की बठिंडा से सुनाम की तरफ आ रही स्कॉर्पियो के साथ भीषण टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली ट्रैक्टर 100 मीटर दूर खेतों में जा गिरा जिस कारण ट्रॉली पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए जिसके बाद जख्मियों को तुरंत सिविल हॉस्पिटल सुनाम ले जाया गया। इस संबंधी सूचना मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। DSP सुनाम भरपूर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्सीडेंट के कारणों का अभी साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा, इस मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस दोबारा रवाना कर दिया गया। पता लग्या सी भी बड़ा मेजर एक्सीडेंट होया बठिंडा रोड से मैं इधर जा ही रहा सी अचानक पहुंच गया ट्राली है तूड़ी जी भरी हुई खेतों में डिगी हुई है ट्रैक्टर बुद्धा होया पे स्कॉर्पियो गड्डी विच वज्जी है 2 बंदे जख्मी हुए ने कोई बहुता नुकसान तो नहीं है चलो जानी नुकसान का कोई इस तरह का खतरा नहीं है पर गड्डी टुटी है एक देखते हैं भी बड़ा किस तरह होया क्योंकि दसाया जा रहा है भी कोई गड्डी भी आई थी। थाना फिलौर की पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को हेरोइन सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना फिलौर के सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि वे पुलिस कर्मचारी सहित गश्त पर मौजूद थे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान को शक के आधार पर रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 35 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है जिससे कि वह बेचने के लिए जा रहा था। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान संदीप काली उर्फ कालू निवासी गाँव पंजढेरा फिल्लौर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। व्यक्ति काबू किया जिसका नाम संदीप है सकाली है सानू राधे शाम वासी पंजढेरा रहने वाले को 35 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। जी सर कितों फड़िया इन्हूं किन्ने मुकदमे ते पहले लड़ी है? पहले भी मुकदमे दर्ज है जी 3-4 मुकदमे पहले भी दर्ज है जी जिन्होंने फड़िया कल 20 बार चौंक दे लगा फड़िया। बठिंडा की केंद्रीय जेल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है जिसके चलते जेल में बंद कैदी और हवालाती के 2 गुटों में जबरदस्त लड़ाई हुई है जिसके बाद पुलिस ने जेल अधिकारी जसपाल सिंह की शिकायत पर 14 कैदियों और हवालातियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बठिंडा की केंद्रीय जेल में 53 के करीब गैंगस्टर बंद हैं जिनमें कुछ गैंगस्टर ए कैटेगरी और सी कैटेगरी से संबंध रखते हैं जिसके चलते केंद्रीय जेल की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तो वहीं इस लड़ाई की वजह से केंद्रीय जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
जलंधर के थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब एक निजी एम्बुलेंस चालक के पास से एक चोरी शुदा पिस्तौल बरामद किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि एएसआई गुरदीप चंद पुलिस पार्टी सहित गश्त के दौरान ज्योति चौक में मौजूद थे। इस दौरान जर्नैल सिंह ने उसके पास आकर बयान दर्ज करवाया कि 26 जनवरी को उसकी कार में रखी रिवॉल्वर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उक्त आरोपी को दानिश जलंधर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चोरी किया गया रिवॉल्वर बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान अजय कुमार निवासी दानिशमंदा के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये परसों जनरल सिंह नाम का बंदा अपने परिवार समेत ब्याह की शॉपिंग वास्ते दुहे तो जलंधर वास्ते आया थी, जिन्हें अपनी गड्डी जिथे जच्चा बाल दी बैक साइड ते कंडी ने उत्थे खड़ी करके चल गया। ਜਦੋਂ 3:30 ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜੂ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਚੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर जेल में से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश के डेरा प्रेमियों को प्रवचन देने के लिए देश भर में ऑनलाइन सत्संग किया जाएगा। पंजाब में डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर डेरा सलाबतपुरा में डेरा प्रेमियों की ओर से बड़े स्तर पर इस समागम को लेकर तैयारियां आरंभ की गई हैं और डेरा प्रबंधकों की ओर से डेरा सलाबतपुरा में ऑनलाइन सत्संग को लेकर सभी प्रबंध जोरों शोरों से किए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से इस सत्संग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का जिहड़ा वो जन्म महीना चल रहा है 25 जनवरी 1919 परमपिता जी दुनिया के उत्ते पधारे तो उस तहत जिहड़ा अज भंडारे की तैयारी चल रही है 29 जनवरी दिन एतवार कल जिहड़ा वो भंडारा हो रहा है ऑनलाइन हजूर पिता जी बुराइयां के खिलाफ ते नशियां के खिलाफ जिहड़ा वो सत्संग फरमाउणगे। जलंधर में भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के प्रधान बलबीर सिंह राज्यवाल विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा किसानों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में पानी के मुद्दे पर बातचीत की गई। प्रधान बलबीर सिंह राज्यवाल ने कहा कि पंजाब में जमीन के नीचे का पानी खत्म होता जा रहा है और हम आखिरी पानी का प्रयोग कर रहे हैं। जो हाल नजर आ रहे हैं उससे ये ही लगता है कि आने वाले 5 सालों के बाद जमीनी पानी पंजाब में खत्म हो जाएगा और 5 दरियाओं के पंजाब में पानी नहीं रहेगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। धरती हेठला पानी वो खत्म होने जा रहा है बहुत स्पीड नाल और आखिरी तह विचों असीं पानी कढ रहे हैं जिहदे चों 50.75 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है और उहदे चों असीं हर साल 35 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी कढ लैंदे हां ते 26 रीचार्ज हुंदा है 15 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल घटी जा रहा है। ਇਹ 5-7 4 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 17 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
नाभा ब्लॉक के रन्नो कला गांव के निवासी राजवीर सिंह ने स्पेशल ओलंपिक इंडिया से जूडो में मेडल जीता और अब वह जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक 2023 में प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन से पूरे देश को और खासकर छात्र राजवीर सिंह से काफ़ी उम्मीदें हैं। उसकी इस सिलेक्शन से पूरे पंजाब के लिए बहुत गर्व की बात है। उल्लेखनीय है कि राजवीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टोहरा में 12वीं का छात्र है और सेंटर CWSN सरकारी एलिमेंट्री स्कूल टोहरा में पढ़ता है। भारत से स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सोनीपत, गुड़गांव और गांधीनगर में भी कैंप लगाए हैं, तो वहीं इसकी तैयारी पोलो मैदान में कोच नवजोत सिंह करवा रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। हाँ, खेले खेले हो गई सोनीपत के पहले ही सोनी बात थी, फिर हरियाणा गई थी खेलनी, फिर हम उत्थे गई थी गांधीनगर ही, फिर दिल्ली गई थी खेलनी, फिर उत्थ कराई। हाँ जी, और कोच जी दस रहे नहीं सानू एक कण खेलना जी, ए गां सू निका दस देनी एक कण करो जी सारे। मेरा बच्चे का नाम है राजवीर सिंह जी, ये जूडो खेडन लई सिलेक्ट होया जी, ये अपने पंजाब पद्धर ते खेडिया पहला, फिर स्टेट पद्धर ते खेड के जी हुण अगे जर्मनी की तैयारी च आई। सो सारे अफसर साहबाना ने मैनू बहुत ज़्यादा सहयोग दिता, जानी मैं इस योग नहीं सी। स्पैशल कामल सर पटियाले तो ने, इन्हां ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, मैनू ये राह दिखाया, इस तक पहुँचाया, अगे भी मैनू उम्मीद है भी मेरे साथ बराबर खड़े रहेंगे। ये देखो वधिया, ये माइल्ड दे विच आउंदा, जिहड़ी इहदी डिसेबिलिटी आ थोड़ा मैंटली उहदे विच हुंदा, बच्चा प्रोग्रेस वधिया कर रहा है, तो साडे वल्लों जिहड़ी सिक्ख्या विभाग वल्लों जिहड़ी भी मदद की जा रही है, जे होर असीं विभाग नूं होर भी इहदी मदद वास्ते लिखांगे। बच्चे का जिहड़ी गेम आ उह जूडो दी गेम आ, जूडो कराटे जूडो कली, तो इनू मतलब कोच भी जो डिपार्टमेंट वालों ही प्रोवाइड करके दिता हुआ। फिरोजपुर छावनी रामबाग में बने रामबाग वृद्ध आश्रम सेवा कमेटी और आई केयर सेंटर जैतों के सहयोग से चैरिटेबल भक्त ऋषभ देव मेमोरियल आंखों के अस्पताल का उद्घाटन करने पंजाब की कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर विशेष रूप से पहुंचे। उनके साथ फिरोजपुर शहरी विधायक रणवीर भुल्लर, फिरोजपुर देहाती विधायक रजनीश दैया भी मौजूद रहे। रामबाग वृद्ध आश्रम सेवा कमेटी ने कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर का भरपूर स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने रामबाग वृद्ध आश्रम सेवा कमेटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि रामबाग कमेटी ने बहुत ही पुण्य का काम किया है, जिससे कई लोगों को लाभ पहुंचेगा। इस दौरान कमेटी के प्रधान हरीश गोयल ने बताया कि आंखों का इलाज बहुत ही कम कीमत पर किया जाएगा और यहां पर आंखों के ऑपरेशन भी किए जाएंगे, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज फिरोजपुर के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि फिरोजपुर में भगत ऋषभ देव मेमोरियल लॉयंस आई केयर सेंटर का शुभारम्भ किया गया है। लोगों के सहयोग से, लॉयंस आई केयर सेंटर जैतो के सहयोग से ये सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ पर लोगों को कैटरिक का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन, जो भी कैंप दौरान आएंगे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया जाएगा। उसके अलावा जो भी ऑपरेट कराए जाएंगे चैरिटेबल रेट पर, बहुत कम से कम रेट पर यहाँ ऑपरेशन किए जाएंगे। इलाके की समूह संगत इसमें फ़ायदा उठाए और जो भी उनकी दुख तकलीफ है आंखों के बारे में उसका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। आज इतने भगत ऋषभ चैरिटेबल हॉस्पिटल जो आई केयर सेंटर बनाया गया, पहला तो मैं मुबारकबाद देवगी जिन्हों ने यह एडा वा उपरला किया उस संस्था भी, तो पूरे शहर वासियों भी, क्योंकि यदा बहुत व्डा योगदान रहेगा अखा के मरीजों ठीक कर सस्ते रेटा से जोड़ा इलाज मुहैया कराया जाएगा। सो मेरे वालों सारे बहुत बहुत मुबारकबाद। क्लीनिक भी खोले गए हैं, जो महिला क्लीनिक खोले गए उन्होंने बारे की कि खुले गए हैं
देखो जी हुण तक पंजाब सरकार ने 500 आम आदमी क्लीनिक लोगों के सपुरद किए ने और मैनू लगता है कि यह जिहड़ी घर घर तक सेहत की सहूलत पहुँचाउण विच असीं काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। हले शुरुआत है, हले बहुत कुछ करना बाकी है। श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिश मंदा की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में तीसरी प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान स्त्री सत्संग सभा की प्रधान बंती देवी, कृष्णा देवी, रमा देवी, संतोष रानी, उषा रानी, सुमन लोच ने श्री गुरु रविदास जी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा की। ये प्रभात फेरी शिवाजी नगर स्थित राम लुभाया के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस मौके पर कमेटी के सदस्य सतपाल पाला, स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, प्रदीप थापा, पवन अत्री, बलबीर लोच, रतनलाल चमनलाल पाठी, जंग बहादुर, लाडी अंगुराल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जी दे 646वें प्रगट दिवस की सारी ही संगत नूं बहुत बहुत मुबारकां। इन्हां दे आने वाले जन्मदिन की बहुत खुशी है सारे 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 समाज नूं। ते उन दे उपलक्ष्य विच जो कि प्रभात फेरियां पूरे ही दानिश मंदा दे विच श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला विचों साडे बाबा जी प्रधान श्री मदनलाल जी खिंदर की अगुवाई विच सारी ही जो कमेटी है उन्हां दी जो मेहनत है वह पिछले कई सालों तो मेरा तो जन्म नहीं होया जो प्रभात फेरियां इस गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला विचों पूरे ही दानिश मंदा दे विच जा रही ने। मैं मेरा छोटा मेरा वड्डा भरा राजकुमार जी और पूरी ही फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करता श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला वालों जिन्होंने घर अज प्रभात फेरी आई है। इन्हें जो भी सेवा इस मंदिर दे लई पाई ते गुरु रविदास महाराज जी इन्हां नूं होर तरक्की बख्शे। जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल की तैनाती के चलते थानों में सभी पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य और खुशियों के मद्देनजर श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। इस मौके पर डीसीपी जसकरणजीत सिंह तेजा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये पाठ उनके विभाग नारकोटिक्स सेल की ओर से सभी के स्वास्थ्य और तरक्की के लिए रखा गया है। उनके सभी पुलिस कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान नए बने कमिश्नर की ओर से भी उन सभी का धन्यवाद व्यक्त किया गया। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। वजो परमात्मा के शुकराने वजो जरा अखंड पाठ साहब का भोग साढ़े एंटी नारकोटिक सैल के जरा ए सी पी परमजीत इन्हों की टीम ने सारी ने जोड़ा रखाया तो ये साढ़े सी पी साहब ने भी शमूलीयत की गुरु घर का ओट आसरा लिया तो ये सारे कमिश्नर तो सारे साढ़े मुलाजमान की उन्होंने सारे की भलाई लिए सुख शांति का कराया। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हर बार की तरह इस बार भी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विधिवत ढंग से एवं मंत्रोच्चारण सहित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री गरुण जी भगवान को जगाया गया, जिसके बाद पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान सभी यजमानों के द्वारा भगवान का दिव्य औषधियों से स्नान करवाया गया और विश्व कल्याण की भावना से हवन यज्ञ करवाया गया। आचार्य पंडित विजय शास्त्री ने अपने संबोधन में
प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ बताया। उन्होंने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, शास्त्र के अनुकूल चलता है, उसकी रक्षा भगवान नारायण स्वयं करते हैं। इस अवसर पर मंदिर के संस्थापक हैप्पी बाबा, मुख्य यजमान प्रवीण कत्याल, मंदिर प्रधान पंडित वरुण शास्त्री, पंडित अंकित शास्त्री, पंडित जगन्नाथ प्रशासर, पंडित गिरिराज उपाध्याय, पंडित राधा कृष्ण शास्त्री, पंडित राहुल शर्मा, पंडित मनीष शर्मा, पंडित राहुल उपाध्याय, पंडित सूरज वैदिक, पंडित कन्हैया शुक्ला, पंडित अखिलेश मिश्रा, पंडित दीपक मिश्रा, सहित यजमान अरुण, सुनीता नारंग, अनमोल नारंग, अजय, अंजलि नारंग, रेखा, संतोष रानी, रश्मि अग्निहोत्री, शशि चौहान, अंपल, गीतिका कत्याल, विक्की बिज सहित असंख्य भक्त मौजूद रहे। महाआरती के बाद अजय नारंग के निवास स्थान पर लंगर का आयोजन भी किया गया। जलंधर से अलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। ज्वालामुखी मंदिर में आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा जी, गरुण जी और नारद जी की अचल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। मंदिर के संस्थापक हैप्पी बाबा जी ने सभी लोगों के सहयोग से, मंदिर के अध्यक्ष श्री प्रवीण कत्याल जी, अजय नारंग जी, सभी ने मिलकर भगवान लक्ष्मी नारायण की अचल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्य सानंद संपन्न कराया। बहुत ही सुंदर और दिव्य मंदिर स्थापित हुआ है। पूरे पंजाब में इतनी सुंदर प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी। सज्जनों, वास्तव में मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि एक बार दिलबाग नगर एक्सटेंशन ग्रोवर कॉलोनी स्थित शिव शक्ति माँ बगलामुखी मंदिर में अवश्य पधारें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करें। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतलाम मंदिर के पावन सरोवर तट वासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक जतिन तलवाड़ दिल्ली वालों ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवीतलाम मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, संयुक्त सचिव सीए वीएम अरोड़ा, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, बलदेव आनंद, पार्षद रीटा शर्मा, सीमा मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में बा भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भक्त की रिपोर्ट। चोलिए फकीरा दी परी ना परी, चोलिए फकीरा दी परी ना परी, माए साडे प्यार ते शक ना करी, 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 मेरा वाला हाथ सिर तरी ना तरी, मेरा वाला हाथ सिर तरी ना तरी, माए साडे प्यार ते शक ना करी, संताप साढ़े हरी ना हरी, माए साढ़े
साडे प्यार उते शक ना करी। स्कूल वैन में अपने साथ साथ और बच्चों को भी शीशा तोड़कर बचाने वाली लोंगोवाल की बेटी अमनदीप कौर को देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उसको 50,000 रुपए की नकदी और सर्टिफिकेट दिया गया। 11 दिन दिल्ली में रहने के पश्चात अमनदीप कौर लोंगोवाल अपने घर वापस लौटी हैं। वहीं अवार्ड लेने के बाद अमनदीप की खुशी में शरीक होने के लिए उनके रिश्तेदार भी घर पर पहुंच रहे हैं। उनके घर में खुशियों का माहौल है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मतलब असी स्कूल तो घर आते पे अचानक ही मतलब काफ़ी पुरानी बहन सी मतलब अग लग गई तो उस सारे बच्चे छोटे सके मैं ही सी वड्डी तो जो अग लग गई मतलब कि असी टाकी खोलन की कोशिश की काफ़ी पुरानी सी उसदी बाहर तो टाकियाँ खुल दी सगिया तो कोई भी टाकी नहीं खुली फिर अंदर ही कोई गड्डी दे विच लोहे की चीज़ सी मैं उसदे नाल शीशा भन्निया पहले आप बाहर निकली फिर वो चार बच्चों कढ़िया तो जिहड़े बाकी बच्चे से वह अग बहुत ज़्यादा हो गई सी तां करके मैं उन्होंने बचा नहीं सकी। तो ये सम्मान मिले इस तुसी किस तरह देख ते पूरे देश चो बच्चे आए ते हाँ जी उत्थे मतलब सारे नाल गलबात हुई उन्होंने दस्या भी एवें एवें होया अपनी घटना सारे ने दसी एक जलंधर तो सी कुड़ी मतलब उदा ट्यूशन तो घर आँदी पी सी फोन करन लगी सी अपने घर तो दो चोर आए उन्हें उनका फोन फड़ लिया तो पर मतलब वो पिछे उन्होंने गई उन्होंने चाकू दिखाने की कोशिश की दो तीन बार तो उदा हाथ भी कटता सी पर उन्हें हिम्मत नहीं हारी फिर भी उन्हें अपना फोन ले लिया उन्होंने। बहुत खुशी की गल है साडे वास्ते असी बहुत माण महसूस करने साडी बेटी ने इन्नी बहादुरी की है तो कोई मुसीबत पवे तो बच्चों इस तरह ही बहादुरी करनी चाहिए। सरकारां तो असी यही मंग करने भी जेडे बच्चे इस तरह का कोई बहादुरी का काम करते हैं तो सरकारां उन्हां बच्चों वल ध्यान देन तो होर भी बच्चों की हौसला वधाई होगी। बहुत खुशी बहुत जी बहुत सरकार ने बहुत वधिया राष्ट्रपति ने मान करिया जी बहुत अवार्ड मिले बहुत खुशी की गल है जी। साडी 11 दिन रहे असी तो बहुत वधिया माहौल से बहुत वधिया इनाम मिले कुड़ी नूं ते बच्ची बहुत इहो जिहे काम सरकारां करियां ना बच्चों का ध्यान देना बच्चों की सरकार सुनती नहीं गी तो बच्चों का माण करन ते बच्चों की भाल पाई करन। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। फगवाड़ा हुशियारपुर रोड पर एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई दो युवकों की मौत दो गंभीर घायल। तलवंडी साबो के गांव त्योणा पुजारिया में शादी से नाराज लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने ससुर परिवार के घर में दाखिल होकर की फायरिंग लड़की व उसका ससुर हुए घायल। सुनाम बठिंडा रोड पर तूड़ी से भरी एक ट्रॉली की स्कॉर्पियो के साथ हुई भीषण टक्कर दो लोग गंभीर घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।